मेरा नाम मानव कुमार है, मैं सीईसी के मार्केट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। मैं सीईसी का सेल कंपनी है। और क्या रही है और कोई मनी को
पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है आपने? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मनी मैटर्स है नाम बोल के लगते हैं मनी मैटर्स यानी कि मनी है तो लगता है मनी मैटर यानी मनी के मामला तो कोशिश करें कि दोनों चीजों को लिए यानी कि टेक्निक क्या है उसके मामला तो कैसे डील करना है उस पर हम बात करें तो जो एजेंडा है हमारा सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग के ऊपर फिर उसके बाद ये बजटिंग क्यों जरूरी है कैसे करनी चाहिए फिर उसके बाद ये जो सेव किया है उसको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या एनडी से हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए और फिर कुछ हम बात करेंगे आपको अंदाजा लगाना है कि ये शायद ठीक नहीं मौसम नहीं है आपके किसी के भी फॉलो जो और उन्होंने इसको बहुत वाइजली इसको
फिर बात आ जाती है कि जब सेविंग है जब बजट की बात नहीं होगी पहले डिसाइड करें कि कितना बचाना तो बेसिकली व्हाट इज बजट बजट इज टेलिंग यू मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट महीने के आरंभ में सोच रहे हो ऐसे ही नहीं बचे मेरे पास महीने के शुरू में हम फोरन प्रो हो जाते हैं या पैसे आगे निकल गए कोई मूवी देख लेते हैं ये कर लेकिन बजटिंग का मकसद ये कि पहले आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की मुझे इतने पैसे की एंटरटेनमेंट के लिए सेट कर दें इतने पैसे मेरे को इन्वेस्ट कर देने हैं और इतने पैसे मुझे नेसेसिटी के लिए का पहले आपको पता चला आता लेकिन एकदम से मेरा जब महीना ग्रो होने लगता है पता चलता है कि बाद में पैसे कम बचते हैं ठीक है तो और एक हमारे बड़े बड़े हमेशा कहते थे जो मैंने स्पेशली लिखा है सेविंग एंड ऑलवेज सेविंग योर एक्सपेंस बिजनेस का भी कोई है बिजनेस में कहते हैं कि द प्रॉफिट्स आर ऑलवेज हिडन इन द कॉस्ट अगर आप अपनी प्रॉफिट को निकालते हैं कैसे निकालते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट कितना बढ़ेगा जितने एक्सपेंसेस कम होते हैं ठीक है ना तो इसी तरह लाइफ की एग्जांपल ऐसी है कि हमारी जो सेविंग है वो छुपी हुई है कहीं ना कहीं हमारे खर्चों में एक तरह का खाना बाहर नहीं खाएंगे तो शायद कोई हजार रुपये बच जाए हजार रुपये भी इन्वेस्ट छोटी छोटी चीजें तो ये वो चीजें हैं जो हमने बजट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए डिस्कस की क्यों बजट करना चाहिए आपको बताता है कि आपको अपने नीड्स के अंदर रहना है आपको डेट क्रेडिट के अंदर नहीं जाना है अक्सर ये होता है अक्सर क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं आपको अंदाजा नहीं होता स्पेंड करने में बाद में बिल आता है बजट से आपको अंदाजा होगा कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं क्या अपनी मंथली इनकम एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं है हेल्प्स यू सेव टुवर्ड इंपॉर्टेंट गोल्स बच्चों की एजुकेशन है इसे चेंज करूं अगर दो सिगरेट पीते हैं तो पीनी नहीं चाहिए लेकिन अगर पी रहे हैं छोड़ सकते हैं पी ले खाली खा रहे हैं रेड गुटखा खा रहे हैं पान खा रहे हैं लेकिन उसको चेक करें कि महीने का कितना मतलब पता ही नहीं था कितना परसेंट दे रहे हैं छोड़ दो मैंने शुरू किया अपनी एक्सपेंसेस को लेकर तो मुझे अंदाजा हो गया ये तो मैं लेना ही नहीं करता उस पर देता कि सुपर मार्केट में इंपल्स बाइंग की आधा रास्ते हाइपर मार्ट के अंदर पड़ी हो गया जाते जाते वाइन सिंड्रोम की ऊपर रखते हो छोटी चीजें के लिए वो सारी हो लेकिन जो इस उम्र में भी आए हैं इसमें पहली बार भी ये डेवेस्टेड हो रही है अभी आप सीखने के लिए आए तो ये एक्टिविटी है थोड़ी सी मैच की इन्वॉल्वमेंट लेकिन करनी हम सब नहीं मानो सब कर सकते ठीक है सवाल ये है कि आपके पास अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे के लिए आपको रोज बढ़ेगी एक लाख बीस हजार मिसाल अगर उसका खर्च करना है तो आपने अंदाजा लगाया है कि पाँच साल बाद अभी बजट किया किसी से उसने कहा तो लाख सवाल में हो जाता आपने कहा हमने एक लाख बीस हजार रुपये
दो लोग का अंदाजा है कि वो फाइनेंस के सबसे ज्यादा हैवी करते हैं, लेकिन इसको बाकी लोग भी जो है वो फाइनेंस के नहीं भी है वो भी थोड़ी थोड़ी सेटिंग होती है वो बन जाती है। बोलो अभी अभी स्कूल में डालते हुए दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, छोटी जगह कह रहे हैं कि अगर आपने अंदाजा लगाया है कि आपको 5 साल बाद 1,20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वो 1,20,000 के लिए आप हर मंथ कितना बचाएंगे, तो उसका जवाब है 2,000 रुपए पर मंथ, साल की 24,000 रुपए। अब ये 24,000 रुपए जमा कर करके लेकिन आपने साल में जो उसको इन्वेस्ट कर दिया और हर साल उसमें 10% मुनाफा भी कमा लिया, तो कितना बन जाएगा 5 साल बाद आप कितना पैसे बचा रहे हैं। इनके पास पेपर नहीं है, पेन नहीं है, फीस बता दे तो वो आपको दे दे। साल के शुरू में अगर 24,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर लिए तो यहाँ पर आपके 10% रिटर्न मिल जाएगा।
पहले साल में आपके पास 36,400 होंगे, दूसरे साल में ये बढ़के 55,440 हो जाएंगे, तीसरे में 57,000 और चौथे साल में अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। वजह इसकी आप आगे साल में पहुंचते चौथे साल में आपने अपने टारगेट अचीव कर लिया और पांचवे साल में आपके पास एक्चुअली 161,000 हो जाएंगे एज अगेंस्ट योर रिक्वायरमेंट ऑफ 161,000। अगर हम अज्यूम करते हैं आपको 5 साल में 120,000 रुपए चाहिए तो अंदाजन आपको कितने सेव करने चाहिए 5 साल बाद ही चाहिए 4 साल बाद ही चाहिए को डिवाइड ऐसा कुछ कर दीजिए ठीक है ना। अच्छा उसकी जगह मैंने इसको वर्क बैक किया है वर्किंग बना ली कि अगर आप इंस्टेड ऑफ सेविंग 24,000 में आप 17,900 रुपए तकरीबन हर महीने सेव कर लेंगे तो आप 120,000 रुपए पहुंच जाएंगे। ये पेपर आपके पास होगा कैलकुलेशन करने का मकसद देते कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। एक और किसी तरह का मिलके आपकी बहुत बड़ी रकम होती है 1500 रुपए होते हैं सिर्फ महीने 1500 और आपको 1,20,000 रुपए मिलते हैं ठीक है। तो ये एक आपको समझा रही कि जो डिसिप्लिन सेविंग होती है हमने कहा कि छोटी छोटी करके भी बड़ी रकम बन जाती है लेकिन मकसद ये है कि मुझे कहते हैं कि थोड़ा मकसद में थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी घेरता रहे तो साफ कर देता ये वाली बात और वही छोटे छोटे खर्चे जो है लेकिन स्किन का होल शेप कहते हैं कि छोटा सा चुनाव के बड़े बड़े से बड़े झाल को गिरा सकता है। ये वाली बात है कि आपने छोटी छोटी सेविंग कर ली है और बचाना है कंपाउंडिंग का इफेक्ट को यूज करना ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 1,20,000 रुपए 5 साल बाद चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा कितने रुपए बचाने हमें ये 1,500 रुपए बचाने ठीक है जी क्या बोलते हैं 1,500 रुपए बचाने जी। पूछना ये है कि पाकिस्तान में आप देख लीजिए लास्ट 5 इयर्स में आ गए अगर वो 1,30,000 रुपए करेगा वो तो उतना भी नहीं कर पाएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि मैं इतना चेंज लगेगा अब आपने सोचा कि यार 1,30,000 में उसका हो जाएगा लेकिन फिर आपको पता चला कि इतना ही बोला कर नाम है इन्फ्लेशन वो भी तो लगी होगी। एक बात है एक तो बताइए कि बताया इसमें गवर्नमेंट को हम क्या देंगे कुछ नहीं देते टैक्स है आप कहते कुछ नहीं देते आपके पास ये जो है 5 लाख का इनकम 7,65,000 रुपए है और ये रकम 10,000 रुपए को आप एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल के लिए 20,000 बच जाए और इसी तरह बढ़ते जाए तो आप 25 साल में यही रकम 1,23,00,000 तक पहुंच जाए। पहले तो सिर्फ 10,000 रुपए महीने के लेकिन वो आप 25 साल में 1,25,00,000 तक पहुंच जा सकते हैं और ये छोटी सी बड़ी एग्जाम्पल है 10% के साथ आपको पता है रियल स्टेट में मुनाफा ज्यादा नहीं होगा लेकिन ये सिर्फ और जैसे को पता चल रही है कि कंपाउंडिंग की पावर कितनी ठीक है। अब हम जो है एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मुझे आजकल इंटरनेट की पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अच्छी चीजें आपको मिल जाती है तो मैं क्या $5 का अंतर कॉफी के खर्च में और
आपने बना के रख दिया है। हमें तो नहीं जानते हैं कि ऐसी कसम हम कहीं नहीं लेंगे। पोस्ट है पहले बताना है, फिर तो बच्चे का उसको कर सकते इन्फ्लेशन होगी तो दाम में
जमीन कीमत की स्पीड सबसे बढ़ती है वो भी एक चीज है, लेकिन उसका एक चैलेंज ये होता है कि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अक्सर जब आप करियर के शुरू में होते हैं या जो होते हैं पता आपको इतने पैसे नहीं होते कि आप वो करियर लोन का बॉन्ड ले सके या कोई और दूसरे बॉन्ड ले सके, उसके लिए आपको एक बड़ी रकम चाहिए होती है। उससे क्या हो सकता है, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये कि पहले किसी और एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करके उसकी रकम पर पहुंच जाए फिर उसको इन्वेस्ट करें, दूसरा ये होता है कि सर इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये हम यहाँ ये बात नहीं करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा बुरा, ये आपने देखना है कि किस प्रोजेक्ट की क्या लायबिलिटी है, उसके कागजात पूरे हैं, आपने जो बेटर है वो कीजिए, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक पॉइंट पर ये एक बड़ी क्रिटिकल यानी कि सेल के काम होती है कि आपकी अपना घर हो, आपकी अपनी जमीन हो, जिसमें आप रेंटल की कॉस्ट से बच जाए, डिस्प्ले होने से बच जाए, तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट और ये आपकी कंसिडरेशन में होना चाहिए। शुरू में ना हो लॉन्ग टर्म में होते हैं कि आपकी अपनी जमीन होनी चाहिए, घर होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि घर लेने के लिए हकूमत में टैक्स की सेविंग नहीं है, तो टैक्स पे के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, देखो ये पहला सबसे कोर हो जो रियल स्टेट में मार्केट में सबसे पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा है सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल सेविंग स्कीम है सबसे ज्यादा सिक्योर कंसिडर होती है। ठीक है, अगर वो जम हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना जमीन बचेगी ना गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। एक्सट्रीम सिचुएशन के अलावा फोर्स में जो रिवेंट हो जाना है उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसीडर्ड फॉर सिक्योरिटी। दूसरी बात ये है उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट लोगों के लाइफस्टाइल उनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उससे कोई बात करेंगे भी। दूसरा ये कि ये बैंक से यूजुअली ये होता है जो फाइनेंस का असूल होता है कि हमेशा रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसका रिटर्न सबसे कम होता है दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है, जो ट्रेजरी बिल्स है उनके रिटर्न सबसे कम है। हमारे मुल्क की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट के लोग पैसे चले होते हैं तो वो उतना ही अच्छा रेट दे रहे होते हैं जितना बैंक दे रहे होते हैं, कभी कभार उससे भी अच्छा दे रहे हैं। बैंक की अक्सर हमारे इतने अच्छे रिटर्न दिए होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, इट इज रियली नॉट पॉसिबल। जो वेस्टर्न कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न सबसे कम होता है। ये अच्छी बात है मानिए कि आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अच्छे रेट पे कर सकते हैं। कुछ स्कीम्स हैं स्पेशल सेविंग की, रिटेल सेविंग है, वो जी रिटेल में रात को कौन है लेकिन बताया वो भाई उससे थोड़ा लाइन को मुझे अंदाजा है, लेकिन ये उसकी वजह ये है कि बैंक को भी आपसे पैसे चाहिए, वो आपसे नहीं शॉर्ट टर्म वाले ले रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है थोड़ा सा थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके लिए ज्यादा है। ये मैंने छोटी सी एक विचार करा दिया इसको लेटेस्ट जो सेलिंग के रेट्स है कि अगर आप 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आपका टेन्योर फ्री है तो आप शॉर्ट टर्म सेलिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसका रेट 12.76 से 12.37 तक। अमूमी तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रेट हमेशा ज्यादा होता है अमूमी तौर पे, क्योंकि जितने ज्यादा पीरियड में आप लॉकिंग हो रहे हैं उस पर ज्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है। देखिए क्योंकि इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट आउटलुक ऐसा है, इंटरेस्ट रेट आउटलुक ये है कि हम आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका हाईएस्ट है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और उसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कम करेगी तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होंगे। इसलिए हुकूमत इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज नहीं कर रही, तो हुकूमत ने लॉन्ग टर्म रेट वही रखे जो वो टारगेट कर रही है लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। इसीलिए जितनी छोटा टेन्योर का इन्वेस्टमेंट है उतनी रिटर्न ज्यादा है, यानी कि 3 महीने में 12.7 है, 6 महीने में 12.6 है और 1 साल में 12.3 है। ये करंट है, लेकिन अगर आपने ये पैसे रखा है 3 महीने के लिए तो आपको जैसे 1 लाख रुपए रखा है 1,03,190 रुपए, और अगर आपने 6 महीने के लिए रखा है 6 महीने बाद आपको 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए होता है तो और 1 लाख रुपए और 1 साल का 12,370 रुपए इसी तरह एक जो बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है वेरी वेरी फेवरेट बैकवर्ड से बैकवर्ड जो है 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए 50 साल तक की लिमिट है और इसका हिस्टोरिकल रिटर्न सबसे हाई है और इसकी ब्यूटी ये है कि अगर अभी आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर दिया है ये रेट अभी और बढ़ गया अगर 14 तक भी चले गया तो अब ये वापस जो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं नीचे लाए गए वह तो इम्प्रूव हो अगर आपने आज इसको लॉक इन कर दिया तो जब तक ये पैसे आगे बढ़ रहे हैं 12.24 के हिसाब से आपको मिलता रहता है। ये एक
एक दफा लोन हो गया तो वो नीचे नहीं जाए, अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहे तो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल के हाथ इसी रेट पे वो मंथली प्रॉफिट देते रहे, ठीक है। रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि 60 साल से ऊपर होने चाहिए प्रॉफिट रेट, जैसे मैंने दिए थे मान साहब को पैसे दिए थे कि उस पर आधा पैसे फिर हमारे अक्सर लोग कर रहे होते हैं, सबसे पहले जो आता है वो इसमें जाता है। तो ये रीजन इज 60 साल से ऊपर वालों के लिए एक इंसेंटिव है कि अब आपकी कमाने की सैलरी डिलीवर हो गई तो गवर्नमेंट आपको एक तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बिल्कुल श्योर है, कहना बहुत बड़ा है ऑनलाइन करना, वो खुद ही खोल देते हैं अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
लेकिन कोई सर्टिफिकेट की फॉर्म में आपको नहीं मिलता, ये बैंक के पास ही रहता है, ठीक है, होता ही। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा बूस्ट, तीसरा बोल के बूस्ट कॉमन एवरीथिंग आपके लिए बैंक डिपॉजिट से, हम सबको पता है हर गली के नंबर से एक बार बैंक गए ही, हमारी इससे अच्छी फैसिलिटी होती है कि जल्दी से गए वहीं से जाकर पैसे जमा भी करवा लिए या क्या रेट चल रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इनके पास है, ये कंपेटिटिव है और अच्छे रेट मिल जाते हैं। एक चीज में थोड़ी समझ ली की है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी बैंक का एम्बेसडर नहीं, लेकिन कुछ बैंक जो थोड़े बड़े हैं उनके इंटरेस्ट रेट कभी कभार कम होते हैं और जो बैंक थोड़े छोटे हैं वो थोड़े रेट ज्यादा देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, उनको डिपॉजिट मिले, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं अच्छे बड़े बैंक में जाके पैसे रखवा दूं। तो फिर अगर अच्छा बड़ा बैंक नहीं लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि उसकी अक्सर आज का मकसद ये है कि हम उसकी ये देखेंगे उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी, उस बैंक को जो है वो क्रेडिट रेटिंग क्या मिली है, उसको थोड़ा ना होता है थोड़ा उसके मामला में नजर रखने की, ऐसा तो नहीं है कि बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव हो रहा है, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता जैसे बीच में इस ग्रुप का भी है, ये भी देखना आपने मैं वो उस पे नहीं चलिए वो तो कोई बात है। और दूसरा ये कि जो
में जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है या और दूसरे कोई हिकअप आते हैं तो फौरन जो दूसरी गवर्नमेंट होती है अक्सर गवर्नमेंट रिजर्व जमा कर रही होती है डॉलर में, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा होता है डॉलर के सहाय इतने हो गए डॉलर जमा कर दो, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ग्लोबल लेवल पर तो कंट्रीज की कोशिश होती है गोल्ड के रिजर्व जमा, तो हर चीज आपको पता है डिमांड से चलाई गई होती है टमाटर कम हो गई तो टमाटर के रेट बढ़ गया प्याज का रेट बढ़ गया प्याज का रेट बढ़ गया, तो जब डॉलर कम आ जाना है ज्यादा दाम नहीं आना ज्यादा कर आते हैं और जो बेचने वाले हैं वो लगे कम हो जाएंगे तो एकदम से डॉलर का रेट ऊपर आना, तो अभी जो कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ मॉडल मार्केट गिर गई पाकिस्तान में गिर गई गिर गई आपका लिखा होगा लास्ट एक दो हफ्ते वापस थोड़ा सा मार्केट में गिरा भी जितने बेचने वाले उसकी वजह यही है ये डायनेमिक्स में थोड़े ग्लोबल है आपने कहा पढ़ते रहना है चीजों पे नजर रखनी है लोगों से डिस्कशन करने की बात है आप के लोग हैं जो ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं तो गोल्ड उसके लिए बेस्ट एक्सपोजर है कि कुछ भी हो जाए कुछ करेंसी को कुछ हो जाए आपका करेंसी अक्सर होता है हाइपर इन्फ्लेशन स्टेट में चले जाते हैं कि एक डॉलर के अगेंस्ट आप 150 रुपए मिले खुदा ना खास्ता एक डॉलर के अगेंस्ट 500 या 1000 या 5000 या 10000 लोग गड़िया करके जाते हैं लेके जाते हैं और छोटी छोटी हाइपर इन्फ्लेशन स्टेट डूब जाती है करते तो गोल्ड भी उसके लिए बेस्ट है यहाँ कंट्री को कुछ हो जाए गोल्ड को कुछ नहीं होना क्योंकि गोल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है जमीन आपकी अगर डर हो गए तो मसला हो जाएगा गोल्ड में नहीं होगा आइडिया है कि आपने कुछ हमने अंडे वाली एग्जाम्पल दी किसी वीडियो में डायवर्सिफाई करना है किसी एक एवेन्यू के अंदर जज्बात में आकर सारे पैसे निकाल देने डायवर्सिफिकेशन फॉलो करती है गोल्ड को फॉलो करना अच्छा उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल फंड थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी कंसल्टिंग का म्यूचुअल फंड के हवाले से और थोड़ा लेस नोन प्रोडक्ट है आपको मसला काफी हो गई अभी जैसे कि इससे लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली एक बास्केट है और इसमें डिफरेंट बास्केट है जैसे हमने वहाँ बास्केट देखी तो यहाँ भी म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है बहुत सारी यहाँ पे नाम के सुने होंगे कोई अपने एक्सपीरियंस बता दे और कम बैंक्स है अपने पास डिफरेंट बकेट बना लेती है इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पूल हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जिसमें एक्विटी नहीं हो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं मनी मार्केट के ऊपर फंड्स मांगे रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड या इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होंगे तो आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है कुछ लोग अग्रेसिव जाना चाहते हैं उसके लिए स्टॉक मार्केट है कुछ कहते हैं थोड़ा बहुत लोग उसके लिए बैलेंस फंड या हेज एलोकेशन फंड होते हैं तो ये अलग अलग पूल बना दिए जाते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और जिसको वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हायर करते हैं डिफरेंट फंड को मैनेज करने के लिए जिसकी एक रिलेवेंट प्रोफेशनल उसमें क्वालिफिकेशन होती है सीए बना हुआ है या उसका एक्सपीरियंस है बैंक में मैनेज करने का किसी चीज का वो क्या क्या करते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं टीएफसी का नाम आपने सुना होगा बागदा बॉन्ड्स है या उसके अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं बैंक के डिपॉजिट में पैसे रखवाते हैं बैंक डिपॉजिट में ये रखने का सलाह रखना आप ले जाएंगे 5 लाख 10 लाख वो लेके जाते हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेके जाते हैं लेकिन इन पैसे हम आपको लेके बताएं क्या करना है अगर वो आपको 10% देगा तो शायद उसको 12% दे देगा तो ये 500 हो जाएगा बेनिफिट आपको और पूरी दुनिया में जो सिविलाइज्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर म्यूचुअल फंड जो है वो 90% होते हैं और रिटेल का जो बैंक डिपॉजिट होता है वो 10% होता है हमारे यहाँ होता है हमारे यहाँ सबने बैंक में पैसे रखे हुए और बैंक 90% के म्यूचुअल फंड 10% लेकिन ग्लोबली दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर माइक्रो इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर रीजन ये है कि हमारे अवेयरनेस थोड़ा लेट आया है और इतनी अवेयरनेस नहीं और होता है कि जब जाते हैं तो अक्सर थोड़ी सी कोताहियां शुरू में म्यूचुअल फंड के पार्ट पर भी थी कि उन्होंने अच्छे रिटर्न की लालच में जो स्टॉक्स को रिटर्न भेज दिए तो जब ये हमारी मार्केट गई थी 2008 में गिरी फिर 16 में गिरी फिर अब गिरी तो लोग डिसअपॉइंट हो गए उन्होंने कहा यार बैंक में अच्छी यहाँ सोने में अच्छी तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए अवेयरनेस एजुकेशन नहीं थी उसकी
वजह से लोगों ने मार दिया, नुकसान हुआ। अच्छा फ्लोर आयन पहले होते ना बंद हो गए, फ्लोर आयन बेसिकली एक पर होते थे लेकिन वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हुए। और ओपन एसिड कि आप जब चाहें किसी एसिड मैनेजमेंट कंपनी के पास गए उनको बोले हजार रुपए ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अगले दिन जाए मुझे पैसे वापस चाहिए तो आप उसकी इको मेरे वैल्यू वापस कर देंगे। तो ये रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट है, वहां पर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ओपन मार्केट जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली हैंडल करते हैं, जबकि तो यहाँ पर ओपन एंड जो है अब क्लोज़ एंड फंड्स होते थे लेकिन अब वो खत्म कर दिए हैं और अब सिर्फ ओपन एंड फंड ही रहे। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को मुताबिक सामने रखते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। कुछ फाइलिंग क्या है, सबसे पहली बात स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू किया जा सकता है। इसमें जो स्मॉलेस्ट टिकट साइज है वो 500 रुपए। ठीक है, आपने अगर आपकी गुंजाइश मंथली 500 रुपए बचा ली तो आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 1000 रुपए 1000 रुपए तो हमने शुरू में इसे जो की कंपाउंडिंग वाली थोड़ा थोड़ा जैसे आपकी गुंजाइश बनती है। आजकल तो बैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट भी हो गए, आपने बैंक अकाउंट के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर ली तो थोड़ा थोड़ा जितनी आपकी गुंजाइश है आप इन्वेस्टमेंट करते रहते कैन बी इजी लिक्विडेटेड। जिस वक्त चाहे फॉरन लिक्विडेट हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं उसकी वजह ये हो गई कि डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो फंड मैनेजर होते हैं इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ होता है जो अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करता है उसको फाइनेंशियल लेवल का जो है इक्विटी भी लगा कि अगर मार्केट एक्स स्टॉक मार्केट 5% बढ़ेगी तो वो जो शेयर है वो 6 या 7% बढ़ेगी, लेकिन अगर मार्केट 5% गिरेगी तो वो गिरेगा भी ज्यादा। तो जब आप किसी ऐसे स्टॉक फंड को सेलेक्ट करते हैं जो आपको फेस वैल्यू कह रहे हैं कि ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, तो ये माइंड में रखेंगे तो सबसे हाईएस्ट गिरा गया है वो हाईएस्ट नीचे भी गिरेगा, लेकिन फिर बाकी जो होगा 10% गिरे कि ये 12-15% गिरा होगा फिर आप कंप्लेन नहीं करेंगे। यानी याद रखें रिस्क और रिटर्न का इनवर्सली कोरिलेटेड, जितना रिस्क कम होगा तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड, रिस्क कम होगा रिटर्न कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न ज्यादा होगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपकी जो अगेन जो फंड मैनेजर की चॉइस है वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पहला फंड मैनेजर बेचने आया उसने आपको अपना मंजर बेचा और आपने खरीद लिया। थोड़ी सी रिसर्च करें, bookmap.com.in की वेबसाइट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। आप अगर किसी जगह किसी एक वेट से एक स्टॉक में पैसे डालते हैं, अगर उस स्टॉक की डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं या उस मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने सीमेंट कॉफी सीमेंट है उसके पैसे या लकी सीमेंट में पैसे डाले, अगर सीमेंट का ओवर अमाउंट खराब हो गया तो आपका भी खराब, यानी आपका शेयर नीचे जाता है। लेकिन यहाँ क्या करते हैं वो कि 25-30 फंड्स जो कि डाइवर्सिफाइड होते हैं उसमें जाते हैं। तो अब आप अगर 5000 रुपये लेकर आए तो आप 5000 रुपये में शायद एक ही लॉट खरीद सकते हैं। ठीक है,
ये 5000 रुपए जब आप इधर डालेंगे तो वो पूरा अमरेला जो है उसके लिए पूरी यूनिवर्स आप उसको एक छोटा सा हिस्सा आता ठीक है जो रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट को होगा वही आपको मिलेगा ऐसा नहीं है जिसके ज्यादा पैसे उसको ज्यादा मिलेगा उसको भी 10% मिलेगा आपको भी 10% मिलेगा और अगर नुकसान हुआ तो उसका भी 10% होगा आपको भी 10% ये मैं स्टॉक फंड्स की बात कर रहा हूँ लेकिन सबसे आखिरी चीज में टेस्ट कर रहे हैं अगर आप सैलरी क्लास से अगर आपकी कोई ऐसी सैलरी इनकम है या कोई नॉर्मल टैक्स में लगता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या गेन टैक्स क्रेडिट मिल सकता है इतना आपका टैक्स है फॉर एग्जांपल इस पर आपकी जो सैलरी है वो उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है हाइपोथेटिकल बात 15% टैक्स लगता है अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उस पर 15% जैसे लाख में इन्वेस्टमेंट की तो 15% वो 15000 तो आपका 15000 रुपए टैक्स कम कटेगा ठीक है तो ये एडिशनल फायदा हुकूमत ने दिया इंसेंटिवाइज करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री है और जो हुकूमत चाह रही है कि आप इस तरह की माइक्रो सेविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें ठीक है क्यों चाहती है इसमें चाहती है कि सेविंग प्रमोट करना हुकूमत का हर स्तर का काम होता है सेविंग करें तो अपने फ्यूचर को सेव करें सेव नहीं करेंगे नुकसान होगा तकलीफ में आएंगे तो हुकूमत को कुछ ना कुछ फिर प्रोवाइड करेंगे ठीक है अच्छा जी जो कॉमन टाइप्स ऑफ फंड है सबसे कॉमन जो होता है वो इनकम फंड या मनी मार्केट फंड होता है इन दोनों फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगी या बैंक में होगी या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर होगी जो कि इंटरेस्ट दे रही होगी लेकिन कॉमन इन्वेस्टमेंट जो ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर हो जाती है सिक्योरिटीज में जो पीआरपी स्कीम में होगा या बैंक के अच्छे रेट पे डिपॉजिट स्कीम और कुछ थोड़े बहुत डीएफसी में डाल देंगे फिर आ जाते हैं एसेट एलोकेशन फंड एसेट एलोकेशन फंड ये करते हैं कि वो डिवाइड कर देते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू मार्केट आउटलुक 30-40% से लेके 70-80% तक वो स्टॉक और इनकम में घूमते रहते ठीक है अगर उनको लगे रहे कि आगे मार्केट अच्छी लग रही है लोग सकते हैं वो 60-70% तक स्टॉक में चले जाए अगर आपको कि नहीं अच्छी लग रही है तो थोड़ा नीचे भी आ जाए कुछ होते हैं ये लेवल मेंटेन रखते हैं 50 या 60 तो वो आप जब फंड मैनेजर की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इंपॉर्टेंट है जब अगर आपको फंड बेचने आए तो फंड मैनेजर रिपोर्ट जरूर दे उससे मांगेगा उससे क्योंकि रिपोर्ट देखा होगा फंड ऐसे ही इसके बोलने पर ना ठीक है तीसरा होता है इक्विटी फंड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा यानी हाईएस्ट रिस्क की वही बात है हाई लेवरेज हाई रिवॉर्ड इसका रिवॉर्ड भी अच्छा होता है इसका रिस्क भी ज्यादा होता है चौथा होता है कमोडिटी फंड कमोडिटी फंड में पहले तो सोचा गया था कि और फंड आएंगे लेकिन अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फंड ही यानी वो गोल्ड की जो बाई सेलिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में वो करते हैं तो वो गोल्ड के साथ उस पर डायरेक्ट कोरिलेशन के अगर मार्केट बढ़ रही है तो उसको भी गेन हो जाएगा फिर एक थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आया गया जो कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स कहते हैं प्लान कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि आप 2-2.5 साल के लिए लॉक इन कर दें और आपका जो असर है तो मेंटेन रहेगा स्टॉक मार्केट में जाएंगे लेकिन आपके असर को गेन होते हैं उसमें ये होता है कि वो 20-30% स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं आप सोचने की बात है कि नुकसान तो हो सकता है 20-30% में क्या करें फिर वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ऐसे माइनस होते हैं कि 80 रुपये आपने लगा दिए गए 10% के हिसाब से 2 साल में कितने हो जाएंगे वो 8-16 में तो यही हो गए आपने 100 रुपये में से 80 रुपये पे आपने 16 रुपये कमा लिए कितने हो गए 90 रुपये हो गए अब वो जो स्टॉक मार्केट है वो कितनी गिर जाएगी आधी हो जाएगी हिस्टोरिकली आधी से नीचे तो नहीं गई 60% गई क्योंकि 20 रुपये गिर जाएंगे कितने हो जाएंगे 6 रुपये से ऊपर ही रह जाए तो इसका के लिए आपके पास 100 रुपये का आपका आपके ऑफिस मिल ही जाए ये सिर्फ रिस्क लेकिन फायदा क्या है फायदा ये कि 100 रुपये में आपको 2 साल के अंदर टिपिकल रिटर्न जो है आपका कितना होगा 10% के हिसाब से 20 रुपये हो जाएंगे लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटर्न 25-30% मिल जाता है अगर वो रिटर्न ऊपर चले जाता है तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा तो विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क आप कैपिटल प्रोटेक्टेड में जा सकते हैं इट्स नॉट कंपल्सरी ये ऑप्शन है अक्सर टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं और इट्स अ गुड ऑप्शन कि जो लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क जा सकते हैं ठीक है इसी में एक पैरेलल ऑप्शन इन तमाम फंड्स यानी इनकम फंड एसेट एलोकेशन इक्विटी कमोडिटी एंड कैपिटल प्रोटेक्ट इसी में दो ऑप्शन होते हैं कन्वेंशनल एंड छड़िया कंप्लायंट तो वो लोग जो चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड इनकम ना हो वो छड़िया कंप्लायंट फंड में जा सकते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो छड़िया कंप्लायंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होगी छड़िया कंप्लायंट बैंक के अंदर डिपॉजिट रखे जाएंगे या फिर उन स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग होगी जो कि
सूद के काम से मुस्तरे नहीं, यानी एक छोटे हो गया बैंक नहीं है, वो बाकी शेयर्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जिनका थोड़ा सा रिचार्ज लिए गए सूद से दूर है, उनके लिए ये प्रोडक्ट हर तरह के फंड का अवेलेबल है। ये अलमिजान है जो ओनली फंड जिसे डेडिकेटेड है शरिया काम का है एसेट मैनेजमेंट का, लेकिन बाकी तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के भी शरिया कंप्लाइंट फंड ऑल्टरनेट के तौर पर मौजूद है तमाम। कुछ चीजें तो हमें पता होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के हवाले से। एक और प्रोडक्ट पैरेलल म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है बीपीएफ वॉलंटरी पेंशन स्कीम। इस तरह मैंने कहा कि उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है 20%, इस तरह इस पर भी मिलता है, ठीक है ना। अगर आपने म्यूचुअल फंड और बीपीएफ दोनों से किया तो दोनों जगह आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, लेकिन ये जो है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। इसकी जो मेच्योरिटी है यानी उसको आप पैसे रिडीम करना है अगर आप ये पैसे उसी तरीके से जिस तरह ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कि आप रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन की स्कीम में इसको पेंशन की फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसके कैपिटल गेन के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले बात डिविडेंड का मैकेनिज्म नहीं होता है, रीडायरेक्ट का होता है, लेकिन उस पर कैपिटल गेन पर शेयर का जो मुनाफा हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये वाइज प्रोडक्ट कोई टैक्स नहीं लगता, बैंकों के भी लगता है, टाटा नहीं जा रहा है लेकिन एप्लीकेबल होता है अगर वो टैक्स लिमिट से बढ़ जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं टेंशन की, ठीक है। दूसरी बात ये कि अक्सर स्टॉक फंड अक्सर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक फंड फ्लो जिस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो जो आपका एजेंट होता है वो आपको कुछ ना कुछ उसकी हेड एंड हटर उसको एक कमीशन मिलता है। इस तरह यहाँ पर भी फ्रंट एंड लोड कहलाता है या सेल्स लोड कहलाता है जो आपको चार्ज किया जाता है वो मनी मार्केट के ऊपर अक्सर 5% हो 0.5% होता है या 0 होता है, लेकिन स्टॉक फंड में 2-3% तक होता है। आपने एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंसेंटिव रखा है कि अगर आप उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाए खुद आपके घर पे भी आपके ऑफिस नहीं आ रहे एजेंट बल्कि आप उनके ऑफिस जा रहे तो वो आपको सेल्स लोड चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हमने दिया कि अगर आपको 2% जो आपको लोड लग रहा है वो भी बचाना चाहते हैं तो आप बैंक करें। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जी हुकूमत ने ये स्टेट कर ली है जब जाए गुजर जाए वो रात काम कुछ हो जाए पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट की एक सेल रोड चार्ज किया जाता है ताकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एजेंट हायर कर सके कि वो जाके पूरी प्रोडक्ट को सेल करे वो बताए उनको उनकी कमीशन बेस्ड इनकम होती है, लेकिन हुकूमत ने इसमें लॉ पास कर दिया अगर आप दूर के जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो आपके पास तो नहीं है तो उन्होंने कहा कि तेरा आदमी चाहे नहीं करे। दूसरे ऑप्शन ऐसे मैनेजमेंट कंपनी कुछ ऐसे मैनेजमेंट कंपनी के निकाला है कि अगर इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन हो रही अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी लोड नहीं लगेगा। तो आप जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा रहे हो आप पूछ सकते हैं यदि आप ऑनलाइन अलाउ करते हैं कि नहीं करते करते हैं तो उसके लोड लगता है कि नहीं लगता है। मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हम सकते हैं डील करते हैं लेकिन आप खुद मालूम लेके ये कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी इनकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। कुछ ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज के फंड्स के ऊपर इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, खुद अपना हादसा खुद अपना पड़ता है इन्वेस्टर की बात हो जाती है तो जो इन्वेस्टमेंट थी उतने उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मुझे कैपिटल प्रोटेक्ट की बात की उसमें मैंने बताया कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 2 या 2.5 साल में उसका लॉकिंग पीरियड उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना निकालना नहीं। उनमें एक अक्सर ये क्लॉज होती है अगर आप निकाले नहीं तो आपको 2-3% एक्स्ट्रा लोड लगेगा एक्सेल लोड का अगर आपने मैच्योरिटी पहले लिया तो इसका भी आपको ख्याल रखना है अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये बात मैंने बताई आप कई मेरे पास आया है बैंकर लोग वहाँ पर आएंगे पीछे अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड है बाकी केस में अक्सर नहीं होता, ठीक
इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ये कहें कि आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट लेकर लिखा है, फंड मैनेजर रिपोर्ट लिखा होता है कि फ्रंट एंड लोड है, एग्जिट लोड है, कितना है, क्या है, मैनेजमेंट की कितनी चार्ज होगी, कुछ ऐसे पेमेंट कंपनीज अच्छा रिटर्न देने के लिए मिसाल के तौर पर कोई 1% की चार्ज कर रहा है, कोई 0.7 की चार्ज कर रहा है, तो अक्सर इन चीज के रिटर्न इसी के फर्क हो जाते हैं क्योंकि रिटर्न में जो की मैनेजमेंट की होती है वो कम होती लेकिन बात यही है आपका हेज कर रहा होता है आपका एक अनफोर्सीन लॉस, क्योंकि आप समझते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं 25 साल से जॉब करूंगा तो मैं हर साल 2000 में बचाता रहूंगा तो मेरे पास इतने हो जाएंगे या 10 साल में कमाऊंगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई माजूरी हो जाएगी, वफात हो जाएगी, तो फिर आपने जो सोचा था कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, आपकी अच्छी से शादियां हो जाए, तो वो कम हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर भी इस्लामिक और इस्लामिक दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर भी जो है वो एक कॉन्सेप्ट अक्सर फंड्स के अंदर होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें 30% इन्वेस्ट हो जाए और 70% इन्वेस्ट हो जाए और 30% लेवल से आपका कवरेज हो, यदि ये दोनों का आपको मिल जाएगा, लेकिन 70% इन्वेस्ट हो रहा होता है तो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं होता सब सही रहता है तो भी आपको मेजोरिटी में कुछ ना कुछ मिल जाता है, तीन चार साल उसका ये पांच साल आजकल मार्केट नीचे है तो पांच साल में भी हो सकता है आप ब्रेक इवन पे आए कि आपने जैसे पैसे डाले थे उतने पे वापस पहुंचे प्रॉफिट तो बाकी हो, लेकिन आप उसको इस तरीके से ना सोचो, उसको इस तरह से सोचे कि वो एक 30 रुपए माइल है आपके लिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो ये करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी आपने दी है वो आपकी फैमिली के काम, ये बेसिकली जो है ना एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसको कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, किसी को कुछ होगा किसी को नहीं होगा, जिसको नहीं हुआ उसका बेनिफिट जिसको हो गया उसके पास चले जाएगा, तो कलेक्टिवली हम जो ये प्रोडक्ट डिफाइन किया गया, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं हुआ तो ये इंश्योरेंस कंपनी लेगी, इंश्योरेंस कंपनी को किसी ना किसी को देना ही पड़ता है कार इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये इट्स नॉट अ गैम्बलिंग इट्स अ कोऑपरेटिव वेहिकल फॉर शेयरिंग रिस्क, तो ये भी अगेन एज आई सेड इसमें शरीयत कंप्लायंट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं तकाफुर और टिपिकल जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं आपने अपनी जो कवरेज है उसकी भी प्लान जो होते हैं कि मॉडरेट है अग्रेसिव है कंजर्वेटिव है उसके मुताबिक वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा आपको तो आप बताइए उसको, उससे पूछे कि भाई मुझे बताओ मुझे किस प्लान में डालना है और आपकी जो प्रेफरेंस है उसके मुताबिक जाए, आप चाहते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं जाना तो उसको बोलेंगे मुझे लो रिस्क में डालो ताकि आपके जो पैसे जो सेव होने जा रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट, कमीशन भी जो है ना वो वेरी कर रहा है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के जो अपफ्रंट कमीशन है वो 70% में जाते हैं, 70% का कमीशन ही मिलता है और कुछ जो है वो 30% के भी काम करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी में जाएंगे, तो आप इतनी मालूम रखनी है जो आप इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं कौन सी कंपनी कितने रेट से कितना कमीशन देते हैं, फिर आपने फैसला करना है कि आपने किसके पास जाना है। तीसरी बात ये जो है ना आपका रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक सेलेक्ट करें कि आपने कौन से प्लान सबसे आखिरी सबसे रिस्की रिस्की शेयर स्टॉक्स हमारा इस वक्त सीबीसी का भी ज्यादा से जो इंटरेक्शन है स्टॉक मार्केट के हवाले से कस्टोडियन है शेयर्स के हमारे शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर्स होते क्या है, शेयर जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक यूनिट ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड करता है, जैसे लेट कंपनी और 1 करोड़ में से आपको 10 शेयर है तो इसका मतलब है टेंथ ऑफ करोड़ यूनिट्स आपकी मतलब
उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक पॉजिटिव है और जिस इंडस्ट्री की वो भी उसकी प्राइस को रेशियो अफेक्ट करती है।
ये तीन चीजें जो देखी जाती है कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। तीसरी चीज देखी जाती है जो रेगुलर डिविडेंड जो प्रेफर करते हैं लोग डिविडेंड यील्ड क्या है। एक कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया लेट्स सपोज और प्रॉफिट किया 1000 रुपए का शेयर और प्रॉफिट लेकिन उसने डिविडेंड कितना दिया लेट्स सपोज उसने 50 रुपए डिविडेंड दिया तो 50 रुपए डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1000 रुपए वैल्यू ऑफ शेयर कितना रेवेन्यू हो गया परसेंटेज में 5% हो गया। ठीक है जी तो ये कहना कि डिविडेंड यील्ड ठीक है प्राइस पर शेयर मार्केट तो वही तो गेन है इक्विटी पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर जो होती है वो जब आप बैलेंस शीट देखते हो उसमें नजर आ जाता है आपको कि लेट्स सी कितने एसेट्स हैं लेट्स सी 1 करोड़ की टोटल बैलेंस शीट साइज है या इक्विटी जिसको कहते हैं नेट एसेट्स इज इक्विटी पोर्शन एसेट माइनस बैलेंस उसको जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो बुक वैल्यू पता चलता है। ठीक है जी तो आपने फेस वैल्यू इतनी रिलेवेंट होती है फेस वैल्यू होती है कि जो पेड अप कैपिटल के जो इशू करते हो वो मिला 10 रुपए अक्सर राइट होते हैं तो उसमें ये आ जाता है इंपैक्ट आ जाता है। कहीं कभी हमारे पाइपलाइन में स्टॉक चेन की कंपनी को फेस वैल्यू पर देती है फेस वैल्यू पे देती नहीं हमेशा हाई इशू के वक्त या तो प्रीमियम पे देती है ठीक है या फिर मतलब बिल्कुल वही कंपनी को ये तो सर इलस्ट्रेटर है रेवेन्यू की लागत क्या पड़ेगी
नहीं रिलेवेंट हो जाती है। पहले फाइनेंस पे बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट का कांसेप्ट ही खत्म हो गया। अब मान लो कि मार्केट वैल्यू में फिर वैल्यू है, अब की फिर वैल्यू से चल रही है। अच्छा थोड़ी सी टाइम की कमी है, जा रहे थोड़ा सा माइंड को जॉब कर लिया। तो अगर इसी डेटा के बेसिस पर अगर आप देखना शुरू करें कि कंपनी ए बी और सी है, तो एक कंपनी की जो प्राइस है वो अर्निंग है वो 6 टाइम्स है, 60 मल्टीपल पे ट्रेड होता है। ठीक है, दूसरी कंपनी 10 के मल्टीपल पे ट्रेड होगी, तीसरी कंपनी 11 के मल्टीपल पे ट्रेड होगी। ये आपको क्या बता रहा है कि जो कंपनी सी है उसकी प्रॉफिट आउटलुक इतना अच्छा है कि उसकी अर्निंग पोटेंशियल को सामने रखते हुए जो रिस्क है उसको सामने रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के रिस्क भी होते हैं, सबको सामने रखते हुए इन्वेस्टर ने उसको ज्यादा ओवर वैल्यू किया। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग उसके टाइम हुए नंबर ऑफ टाइम 11.4 है, वो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे ज्यादा होता जाता है उसकी फिर फ्यूचर में पोटेंशियल उसका कम होता जाता है। ऑलरेडी शेयर ओवर वैल्यू होगा सब वही खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा उसको एक डिविडेंड इतनी प्राइस ज्यादा होगी अर्निंग के मुकाबले तो उतना उसका डिविडेंड का यील्ड जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन वो सॉलिड होगी। अक्सर ये होता है कंपनी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है, बहुत स्टेबल हो जाती है, तो फिर उसकी डिविडेंड यील्ड नॉर्मल होती है कि आपको पता होता है यार कि हर साल डिविडेंड दे देगा। तो उसके फिर ये जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है उसकी प्राइस वाली ऊपर होती जाती है। फिर प्राइस टू बुक है, प्राइस टू बुक जो है वो ये बता रहा है आपको कि ये जो है कंपनी की जो बुक्स की जो वैल्यू है जैसे 100 रुपए उसके जैसे से, लेकिन उसको 100 की जगह 170 रुपए में उसको वैल्यू किया। वो कह रही है 30% दिया, लेकिन आपने 100 रुपए में लिया तो आपकी डिविडेंड यील्ड 3%। और इसी तरह कंपनी बी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है 7.9 है। कभी कभी डिविडेंड यील्ड इसलिए भी अच्छी हो जाती है कि एक कंपनी का फ्यूचर आउटलुक नेगेटिव हो जाता है। आजकल कुछ कंपनियां हैं जिसकी कुछ सेक्टर होने की वजह से यार ये सेक्टर में लग रहा है आगे कोई तकलीफ आ सकता है, सीमेंट की एक्सपोर्ट का मामला एक और हो गया है, ऑयल का प्राइस कम होने वाली है, उसकी प्राइस एकदम नीचे हो जाती है। और उसके आगे जाके प्राइस भी नीचे आ सकती है ना, ये चीजें मैटर करती है। आपने मैंने कहा था कि ये कंपनी स्पेसिफिक रेशो है, आपने सराउंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो भी ध्यान रखते हैं कि एक कंपनी के क्या परफॉर्मेंस की रिपोर्ट से उसके लेटेस्ट शेयर का रिपोर्ट से क्या डेटा है, उसके सेक्टर में क्या रिपोर्ट से सेक्टर में कैसा हो रहा है, उसके अलावा कंपनी की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सेक्टर के मुकाबले मौसम की पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, प्रमोट कर रही है इंसेंटिवाइज कर रही है, जैसे आजकल रिपोर्ट पे ड्यूटीज लग रही है तो क्या हो रहा है लोकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई है डॉलर तो उसकी कॉस्ट महंगी हो गई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई, डिमांड कम हो गई, ये सारी चीजें आपने माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आप खुद जाते हैं तो आप फ्यूचर फंड में जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये मॉनिटर किसी भी इवेंट के एकदम से नीचे हो तो होगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ये हिस्टोरिक रिटर्न्स का मैंने चार्ट बनाते हैं 10 साल, लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, तो अगर एक बंदा जो है उसने 100 रुपए जो है एक इन्वेस्ट किए हैं उसको 36 रुपए उसका फाइनेंशियल ईयर 10 में उसका रिटर्न 36 रुपए 17%
15 में इसकी वैल्यू माइनस हो गई है, 17 में भी माइनस नहीं, 19 में जैसे कि मैंने कहा कि दोनों पेपर का डिफरेंस का मतलब ये स्टॉक में बता रहा है कितना हो तो सकता है मेरे आपको हद 1900 इसको एक्चुअली ये भी हो सकता है नहीं तो कितनी कम है इसका नॉट 100 की ऐसी बात है 100 है ब्रॉड ब्रॉड बात होगी। इसी तरह डिफरेंस सेविंग जब एवरेज रेट है वो 10% है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड जो पीएलडी वगैरह उसका 11% है, इन्फ्लेशन रेट ऑन एवरेज 10% है, 6 मंथ के टीबिल का रेट इफेक्टिव 2% है, बैंक डिपॉजिट 6% है। अब आपने फैसला करना है कि आपने किधर जाना है और किस तरह जाना है, डिफरेंस शॉर्ट टर्म होगा उसके रिटर्न कम होंगे, लॉन्ग टर्म के ज्यादा होंगे, लॉन्ग टर्म में रिस्क तो होगा शॉर्ट टर्म में लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होगा। ठीक है, दूसरी बात ये आपकी जो पेंडिंग और जो सेविंग का जो डिफरेंस है कितने आप बचा सकते हैं, कितने देर तक बचा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बंदा जो फॉरेन में भी गवर्नमेंट बॉन्ड ले, आपकी गुंजाइश नहीं है, हो सकता है आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते रहें महीने महीने कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक का रिटर्न डिफरेंट हो सकता है। जी ये पाकिस्तान का इकोनॉमी नहीं है, ये कंपनी और उसके सेक्टर का इकोनॉमी है। जो टेक बेस्ड कंपनी होगी ना उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, जो जो बहुत ही एसेट ड्रिवन रिटर्न होंगे ना जिसके जो एसेट पे डिमांड लगा होगा जी, रोड का थोड़ा सेक्टर तो होता है लेकिन मेन जो सेक्टर का भी होता है, सेक्टर सेक्टर भी वेरी करता है बहुत ज्यादा। यही कह रहा हूँ कि वो इसलिए कि उसका एसिड रिलेटेड इसके और आउटलुक के ऊपर भी होता है, आजकल बड़ा हुआ है आजकल तो ऐसी तरह का हुआ है। आप तो एक हिस्टोरिकल ज्यादा नहीं हमारे यहाँ पता है कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सेक्टर और कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमने मेरा इसमें हमेशा मशवरा यही होगा डाइवर्सिफाई किसी भी चीज में ना डाइवर्सिफाई स्टॉक्स में भी जाए। ठीक है, अभी हम एक और स्लाइड आगे देखते हैं कि किस तरह जाना चाहिए सर्टिफिकेट ये फिल्टर ये नहीं है यदि जरूरी नहीं वो भी कई जगह चीज थोड़ा सा की कंपनी का जो रीजन है तो बेसिकली क्या कोई ओवरऑल मेरा आज तक जाने क्यों होता है आज तक जाने के लिए आपके इन्फ्लेशन को हील करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन को हील करना है आपको पहले सबसे पहले इन्फ्लेशन को हील करना है, इसके लिए सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, तकरीबन सारे बैंक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होते हैं बाकी सारे इसको हील कर देते हैं यूजुअली। क्या कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस पे जाना चाहिए, लेकिन आपकी एज आपकी लाइफ स्टेज पे यंग है रिस्क लेने का ताकत ज्यादा है ये थोड़ा मजबूत है क्योंकि आप कौन से जा ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी रिस्क की एपेटाइट कम होती जाती है। हर साल में कुछ सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गिर कर हो रहा है, ठीक है, ऐसी चीज नहीं करनी है, अपनी एज को अपनी लाइफ स्टेज को कितना फिर दूसरा भी क्या कितनी परसेंटेज ऑफ व्हाट यू आर सेविंग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में अपने 10% रखने जा रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप 20% 30% 40% रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा देख लें कि ये बहुत सब्सटेंशियल अच्छे प्रॉपर्टी में होगा, तो ये कंसीडरेशन है कि आप किसी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत 4-5% 10% डाल लें आपकी डाइवर्सिफाई के, लेकिन ज्यादा पोर्शन एक जगह में ना डालें, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मटीरियल है कि नहीं, किसी के लिए लाख रुपये बड़ी रकम है किसी के लिए छोटी रकम है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप बेस्ट जज हैं कि आपने कितनी अमाउंट करनी है। चौथा है कि टाइम होराइजन क्या है, आप कहते हैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा मुझे किसी ने बोला कि ऑन एवरेज 10% तो मिल ही जाता है, अब आपने लेकिन पैसे आपको लग रहे हैं इसके बाद चाहिए स्टॉक मार्केट आपके लिए आप प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं आप स्टॉक पे लिक्विडिटी रखते हो तो ये लॉन्ग टर्म इसके अंदर एक आपकी हर परसेंट की वैल्यू है तो एक के साथ भी जो है वो भी आपके अपने ऊपर होगी। एक रूल अपन जनरल हमने जो देखा है टिपिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहीं वो ये कि 27 साल में फ्रेश ग्रेजुएट है वो टिपिकली वो 75% के स्टॉक्स में जा सकता है उसकी एक्सपेक्ट होती है टिपिकली, बाकी 25% वो बैंक में रखता है जरूर चाहिए उसकी रखता है। 40 साल के हो गए आप स्टेबल हो गए बच्चे हो गए बच्चों की दूसरी बात
अब आप कर इसको मॉडरेट कर उसका मतलब ये कि आप 50% के प्रॉपर्टी शेयर स्टॉक मार्केट में छोड़ के और अदर 50% जो आप पहले में या गवर्नमेंट शेयर स्कीम में इनकम कर फिर अब आप अपने नेक्स्ट स्टेज पे 57 साल रिटायर होने वाली है तो आप स्टॉक में या प्रॉपर्टी में 25% तक आपका एक्सपोजर आ जाना चाहिए और बाकी 75% पे बेनिफिट गवर्नमेंट सेविंग स्कीम पे हो जाएगा ताकि आप कोई रिकरिंग इनकम मिलती रहे क्योंकि आप प्रॉपर्टी आपको रिकरिंग इनकम घर है आपको अपने की रिकरिंग इनकम आपको चाहिए तो आपको बस करना क्या है होनी चाहिए ठीक है आखिरी चीज अर्ली मनी फॉर फ्रॉड के लिए मतलब कोई इन्वेस्ट कोई भी शेयर एजेंट है कोई फाइनेंशियल एजेंट है कोई बेच रहा है क्या चीज का आपने ख्याल रखना पेपर वर्क कैसा है क्या दिखाना है आपको उसको पूछे कि नाम क्या है क्रेडिट कार्ड है कौन सी कंपनी है एसआईएल सर्च करके कंपनी एग्जिस्ट करती है एससीसीपी से आजकल एससीसीपी की अपनी वेबसाइट है जमा होती है लिखा हुआ है कि कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी है जो लाइसेंस है म्यूचुअल फंड की है ब्रोकरेज है ये सब लिखा हुआ है पूरी डिटेल है उसको आपको घर में नहीं आता उसको तो आपके सामने खोल के आपको मोबाइल पे दिखा है कि ये काम है जमा होती है वेबसाइट एससीसीपी के नाम नाम लिखा है देखिए जरा ठीक है इसके अलावा ये कि पेपर में जरूरी है जो भी कह रहे हैं उसको बोले लिख के दो मुझे ये कहते हैं इतना हो जाएगा तो बोले बताओ डेमोंस्ट्रेट करो पेपर वर्क ही बना कर ऐसे नहीं ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें लिखा फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है इंश्योरेंस की फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है ताकि हो जाए ऑफिशियल ब्रोशर ला कर दिखाए इसी तरह कोई बोले यार ये प्लॉट तो होता है चांस के लिए बस ये चांस के लिए ना ये अभी जो भी फैसला है ऐसा ना कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कह रहा है आपने मैं टाइम लूंगा मैं सोच के कर लो मतलब मैं सोच के नहीं कि तुम लोग मैं ऐसे आके कहने का फॉरन आ नहीं टाइम कोई भी आपको जल्दी के लिए बोले ना करे मशहूर अगर चार लोगों से तो ज्यादा अच्छा है कैश हैंडलिंग बिल्कुल ना करें कोई आपको कहते हैं ये दे दो मैं आपके लिए कर दूंगा कैश हैंडलिंग बिल्कुल भी ना जो करें डॉक्यूमेंटेड वगैरह चेकबुक के साथ क्रॉस चेक करें कोई आपको कहे कि इसके लिए 25% रिटर्न मिल जाएगा मुझे वाली स्कीम होती है प्राइस पॉइंट की वो पर्ची होती है वो दे रहे होते हैं तो वो भी नहीं आता है क्योंकि आपके पास सोलर की कमाई है सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें लेकिन ओवरली कंसिस्टेंट रिटर्न हर साल जो है वो 15-20% मिलता ही रहेगा 15-20% कोई भी चीज नहीं रहेगी मैंने आपको बता दिया कि जो रिस्क हुई है वो कौन सा है गवर्नमेंट स्कीम में बैंक है जो उसका रिटर्न है अगर कोई उससे ज्यादा दे रहा है तो उसमें रिस्क आ गया रिस्क भी रिटर्न इंडिकेटर है यहाँ पर रिस्क नहीं उसके ऊपर कोई देने वाला वहां पर रिस्क आना शुरू हो जाए वो आपको देख के समझ में आता है कि क्या रिस्क कोई आपको कहता है कर भी दिया अब वो कह रहे हैं आप बहुत ही भाग लेने का वो चेक कर दिया ये आ रहा है वो आ रहा है इसका रिस्क है फिर आप उसको पूरी रकम का ना अल्लाह करे बुलावा पूरी रकम का पूरी रकम के साथ ठीक है और अगर आपके पास 5-10 और डोनेशन इंटरेस्ट भर रहे प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बहुत ले लिया आपने
आपकी लाख रुपए की सैलरी में से तो 50,000 माइनस हो जाएगा, बाकी कितनी सैलरी बची? 50,000। उस 50,000 के बेसिस पे टैक्स लिए, बिजनेस अगर टैक्सेबल उस पे चलता है, बैंक पे चलता है, ठीक है, तो ऐसे भी ये बिजनेस आ रहा है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात है। उसके अलावा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ तो 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1.5 लाख में मैक्सिमम आपको मिलेगा। एक छोटा छोटे तबके के लिए महीने साल की 15 लाख तक की इनकम है उसको भी जो है वो 5% ऑफ ट्यूशन फी या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 60,000 पर केस के हिसाब से टैक्स अलाउंस मिल जाता है। ये भी एक बेनिफिट है, ये कम अनुभव आपके लिए एजुकेशन अलाउंस का आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा ये टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन है कि जैसे आपकी सैलरी साल की 25,000 है तो आपका 65,000 टैक्स बनेगा, तो 2.6% आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बनेगा। अगर आप 5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में डालेंगे 13,000 रुपए की टैक्स छूटेगी, और अगर आपकी 80 लाख रुपए तो आपको करीबन 10 लाख में से 2,18,000 रुपए का टैक्स ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कुछ और चीजें होती है जो आप डेली लेवल पे कर रहे हो, ये भी आप अपनी टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी का टैक्स कट रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि ये मेरा टैक्स कट चुका है, ये अब आप मेरा टैक्स कम पाएंगे। कौन से बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे आपका टैक्स कट गया, अगर आपका यूटिलिटीज पे मोबाइल बिल वगैरह पर टैक्स कट गया, अगर आपके बच्चों की स्कूल की 2 लाख से ज्यादा है तो उस पे 5% टैक्स कटता है, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं रजिस्टर करवाने जाते हैं एनुअल फीस पे करते हैं उसके भी लगता है, अगर आप ये ट्रेवल कर रहे हैं उसके भी लगता है, अगर आप अपनी शादी हॉल बुक कराते हैं कोई फंक्शन के लिए कोई बुक कराते हैं तो वो भी 5% देते हैं उसके भी लगता है। संभाल के रखें, अपने एम्प्लॉयर को देखें या जो साल के आगे हम बिजनेस पे टैक्स दे रहे हैं इसकी एडजस्ट करवा सकते हैं। सवाल है, अगर कोई बंदा इसको डिफरेंट नहीं है, फ्यूचर में कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड कर, कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिखाया ये कैसे होगा, यूटिलिटी वाला मोबाइल पे होता है और इधर दिल्ली का बिल्कुल सडन लिमिट है 75,000 से ऊपर आता है तो उसपे मोबाइल में इंटरनेट का ये डोंगल लगा होता है उसपे भी लगवा होता है, टेली कम्युनिकेशन भी उसपे तो है और फिर ऊपर की रेगुलेटरी हाउस भी तो लगता है। वो भी उसके अपने रूल्स हैं, ये तो मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैं तो टेक्निकल केस में ये सारे एडजस्ट हो जाते हैं कोई बहुत सारी चीजें
हम से देखिए क्या काम कर रही है क्या डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं थैंक यू वेरी मच यू टू द वंडरफुल ऑडियंस बहुत शुक्रिया आपका